अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? आई होप खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ब्यूटीफुल यूनिक बेबीज़ फ्रॉक लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आएंगे। हम आपके लिए प्यारे प्यारे खूबसूरत डिज़ाइन पेश करते हैं। इनका बेनिफिट आपको विशमार आइडिया से आगाह करना है। इजी टू स्टिचिंग, अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो हमारे चैनल पर विजिट करें, हमारे चैनल को देख कर स्टिच कर सकते हैं। तमाम डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त हैं और एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनको देखकर ना सिर्फ आप खुश होंगे बल्कि आपके बेबीज़ भी इनको पहनकर कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बेबीज़ तो वैसे भी फेरे होते हैं लेकिन इस तरह के ड्रेसेस पहनकर वो और भी खूबसूरत लगते हैं। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, आप अपने रेंज के मुताबिक भी अवेलेबल कर सकते हैं। हमारा एम आपको गाइड करना होता है कि आप मार्केट में जाकर इस तरह के खूबसूरत और ज़बरदस्त डिज़ाइन का इंतखाब कर सकें। देखिए व्यूअर्स, आप इन्हें इजीली स्टिचिंग कर सकते हैं। ये डिज़ाइन देख रहे हैं, बो की मदद से कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त बना दिया गया और स्टेप भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इस तरह से अपने बेबीज़ को पहना सकते हैं। हर डिज़ाइन को लेस पैचेस और बटन की मदद से भी खूबसूरत और ज़बरदस्त बना सकते हैं। ये डिज़ाइन देख रहे हैं, बो की मदद से कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त बना दिया गया। इससे आप हर डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बना सकते हैं। वो तो हर डिज़ाइन पर अच्छी लगती है। जैसा कि ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर फ्रिल लगाई थी जो कि बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रही। जो न्यू कमर्स हैं हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है और अगली वीडियो कौन सी पेश की जाए। हम आपकी राय के मंतज़र रहेंगे। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू व्यूअर्स, दुआ में याद रखना। हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और इस तरह हमारी वीडियो देखते रहें और हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखते रहें और अपने बेबीज़ को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत डिज़ाइन के फ्रॉक पहनाते रहें ताकि आप भी बहुत कुछ सीख सकें।